फर्स्ट आइडिया जो है वो है बेसिकली स्टूडेंट्स के लिए. तो अभी कॉलेजों में लाइक कॉलेजों वेलकम बैक टू माई चैनल. मेरा नाम नेहा है एंड वेलकम बैक टू नेहा डायरीज. सबसे पहले आई होप कि आप सभी लोग अपने घरों में सेफ होंगे एंड एज वी ऑल नो कि हमें 21 डेज का लॉकडाउन मिला है एंड वी हैव लॉट ऑफ टाइम. तो ये टाइम को हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, सो हम यही आइडियाज यहाँ पे डिस्कस करेंगे. और ये जो भी जितने भी आइडियाज है वो सब बहुत ज्यादा फ्रेश है एंड बहुत ज्यादा लाइक न्यू है, कोई भी रिपीटेड आइडियाज नहीं है. सो अगर आप जानना चाहते हो कि आप कैसे इन 21 डेज को अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो, सो यार स्टे ट्यून एंड वॉच द वीडियो टिल द एंड. सो यार विदाउट मोर फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो. सो द नंबर वन आइडिया इज बेसिकली फॉर द स्टूडेंट्स. सो अभी काफी सारे स्टूडेंट्स के फाइनल एग्जाम कम्प्लीट होने वाले हैं एंड वो जॉब के लिए बहुत जल्दी अप्लाई करना चाहते हैं. सो आपको पता है कि इंटरव्यू में इंटरव्यूअर हमारे बेसिकली प्रीवियस चीजों के बारे में पूछता है, लाइक अगर आप फ्रेशर हैं तो आपके प्रोजेक्ट के बारे में पूछेगा, आपके बेसिक डिटेल्स पूछेगा, आपकी हॉबीज पूछेगा. सो आपको प्री प्रिपेयर रहना है इन सब चीजों के लिए. सो ये 21 डेज आपकी बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हैं इन सब चीजों में. सो आपको एक अच्छा सा रिज्यूमे बनाना है एंड अपने प्रोजेक्ट्स एंड अपनी बेसिक डिटेल्स में थोरली लाइक रीड करना है ताकि आप अच्छे से इंटरव्यू क्रैक कर पाओ एंड यस आपको जॉब मिल जाए. सो द नंबर सेकेंड आइडिया इज रीडिंग द बुक. सो हम कोर्स की बुक तो हर साल रीड करते रहते हैं, सो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट बुक्स. सो मैं बात करने वाली हूँ वो बुक्स की जो हमारी मार्केट में अवेलेबल हैं. सो दीज बुक्स हमें बेसिकली सिखाती हैं कि हमें अपनी लाइफ में कैसे रहना है. दे टॉट अस अबाउट द सक्सेस, आर लाइफ स्टाइल, आर रिलेशनशिप्स. सो इन सब चीज़ों के बारे में हमें भी पता होना चाहिए एंड ये फिर बुक्स को हमें अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करना चाहिए बिकॉज एट द एंड यू हैव टू स्टे इन दिस सोसाइटी. सो हमें ऐसी चीज़ों को अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करना चाहिए एंड हमें अपनी लाइफ में थोड़ा सा टाइम इन सब चीज़ों को भी देना चाहिए. सो आई थिंक रीडिंग द बुक्स, दीज काइंड ऑफ बुक्स इज रियली अ गुड पॉइंट. सो द नंबर थर्ड आइडिया इज द मेडिटेशन. आई थिंक कि मेडिटेशन इज समथिंग कि हर कोई चाहता है कि आपकी लाइफ में शांति हो और बहुत अच्छे से आपकी लाइफ जाए. तो आई थिंक कि मेडिटेशन इज द बेस्ट 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 आइडिया. सो 21 डेज का लॉकडाउन है एंड जिन लोगों को नहीं पता है कि हमारी लाइफ में हैबिट बनने के लिए किसी चीज़ को 21 डेज लगते हैं, तो आई थिंक कि मेडिटेशन तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है कि आपको अपनी लाइफ में इंक्लूड करना चाहिए. और ताकि आपको ऐसे नहीं कि हमें वेट करना है कि अभी हमें छुट्टियां मिलेंगे तब हम मेडिटेशन करेंगे, बट मेडिटेशन हम अपनी रोज़ की मर्रा जिंदगी में भी कर सकते हैं. एंड आप ऑफिस जा रहे हो तब भी आपको मेडिटेशन कर लो, लाइक कभी भी आपका बिजी स्केड्यूल है तब भी आप मेडिटेशन कर सकते हो. सुबह जल्दी उठ जाओ यार, थोड़ा सा मेडिटेशन कर लो और यू विल फील फ्रेश. आपको बहुत ज़्यादा थकान, मेंटली थकान मिट जाएगी आपकी, फिजिकली थकान भी आपको आई एम श्योर कि मिट जाएगी आपकी. एंड यस मेडिटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट. सो द नंबर फोर आइडिया इज फॉर ऑल आर ब्यूटिफुल लेडीज एंड ऑल दी हैंडसम जेंटलमैन्स आउट देयर. सो नंबर फोर इज स्किन केयर. सो हमारी लाइफ हमें पता है कि कैसे जाती है कि बिल्कुल सुबह से जाते हैं, शाम को वापस लौट के आते हैं, जाके सो जाते हैं, खाना पीना खाते हैं, बस खत्म. ठीक है, अब हमारे पास हमारी स्किन को लाइक बिल्कुल भी ध्यान रखने का टाइम नहीं होता है. तो ये बहुत अच्छा टाइम है कि आप अपनी स्किन को सारी चीज़ें प्रोवाइड कर सको, आपकी स्किन को अच्छे से नरिश कर सको, अच्छे से हाइड्रेट कर सको, सो अच्छे से आप उसको ट्रीट कर सको. सो स्किन केयर आई थिंक कि आपको एक अच्छी चॉइस है इन दिनों में करने के लिए. तो आप अपनी स्किन को अच्छे से थोरोली क्लेंस करो, अच्छे थोरोली इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करो ताकि 21 दिन के बाद आप चमकते दमकते लगो एंड बस मज़ा ही आ जाए आपकी स्किन को देख के. सो द नंबर फाइव आइडिया इज सेल्फ डिफेंस. तो ये ऐसे कुछ नहीं है कि लड़कियों को ही सेल्फ डिफेंस आना चाहिए, लड़कों को भी सेल्फ डिफेंस आना चाहिए बिकॉज लड़कों की भी मलबिटाई होती रहती है ना, तो सेल्फ डिफेंस आपको आना चाहिए. ठीक है, सो 21 डेज में आप सेल्फ डिफेंस अच्छे से सीख सकते हो क्योंकि यूट्यूब पर काफ़ी सारी वीडियोज हैं जो आपको सिखाती हैं कि आपको कैसे सेल्फ डिफेंस करना चाहिए एंड कैसे अपने आप को बचाना चाहिए. सो सेल्फ डिफेंस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट एंड एज वी ऑल नो कि हमारे सराउंडिंग में कितने ज़्यादा क्राइम्स होते हैं, सो सेल्फ डिफेंस वर्क इन दैट केस. सो सेल्फ डिफेंस हर किसी को आना चाहिए यार. आप कभी भी कुछ भी सीखो यार, लाइक आप कुछ ऐसे मारना ही सीख जाओ वो भी बहुत बड़ी बात है. बस सेल्फ डिफेंस, लेकिन आपको तीन चार मूव्स तो आने ही चाहिए सेल्फ डिफेंस के. सो आई थिंक कि सारी लड़कियों और सारे लड़कों को सेल्फ डिफेंस इन 21 डेज में जरूर ट्राई करनी चाहिए. सो द आइडिया नंबर सिक्स इज प्री प्लान योर थिंग्स. सो अभी मई एंड अप्रैल का महीना चल रहा है एंड काफ़ी लोग इस टाइम अपनी कंपनी स्विच करते हैं. सो अगर आप कंपनी स्विच करोगे आपको लोकेशन भी शायद चेंज करनी पड़ जाती है.
सो इन दिस केस की जहाँ पर आपको पता नहीं है कि आपको कहाँ पर स्टे करना है एंड वहाँ पर ट्रैवलिंग का कैसे है एंड फूड का कैसे है, सो ये सब चीज़ें आप प्री प्लान कर सकते हो एंड अपने घर पर बैठकर ही गूगल पर बैठकर ही, गूगल पर काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है इन सब चीज़ों की, सो आप वहाँ से उसे सर्च कर सकते हो एंड वहीं से आप थोड़ा सा प्री प्लान होकर चलोगे तो आपको आगे जाके इतनी डिफिकल्टी नहीं फेस करनी पड़ेगी कि अगर आपको अगर जाके आप करोगे तो आपको ज़्यादा फेस करना पड़ेगा चीज़ों को। सो आई थिंक कि आप यहाँ पर बैठकर घर पर बैठकर ये अपना आधा से ज़्यादा काम यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हो कि आपके पास एक सेटिस्फेक्शन रहेगा दिमाग में, हाँ ठीक है कि मेरे पास ये चीज़ रिजर्व्ड है एंड अगर मैं वहाँ पर जाता भी हूँ या जाती हूँ तो वहाँ पर मुझे एक ऑप्शन रहेगा कि हाँ मैं यहाँ पर स्टे कर सकता हूँ एंड लाइक अपने वहाँ का फिर सारी चीज़ें सेटल कर सकता हूँ। सो द नंबर 7 आइडिया इज आर हॉबी। सो जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं आई नो कि आप लोगों की कोई ना कोई हॉबी तो जरूर रही होगी एंड किसी ना किसी रीजन की वजह से आप वो हॉबी कंटिन्यू नहीं कर पाए होंगे। सो ये एक काफ़ी अच्छा टाइम है कि आप अपनी हॉबी को कंटिन्यू कर सकते हो और दोबारा से अपनी लाइफ में ऐड कर सकते हो। सो माई हॉबी इज बेसिकली डांसिंग, तो मैं थोड़ा बहुत डांस वांस कर लेती हूँ। सो आपके लिए भी मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप अपनी हॉबी को दोबारा से अपनी लाइफ में लाइए एंड अपने वो दोबारा जो आपके जियो हुए पल हैं आप दोबारा से उन्हें जी सकते हैं एंड आई थिंक कि हॉबी आपको परस्यू करने में ना आपको इनर हैप्पीनेस मिलती है। सो आई थिंक यू शुड गिव इट अ ट्राई। गाइस हम आइडिया वाला पार्ट अभी कंटिन्यू करेंगे बट इससे पहले मैं अभी आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ, वो ये है कि हमें पता है कि हमारे सराउंडिंग्स में कितनी सारी चीज़ें चल रही हैं, आई नो कि वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैं एंड हमारे लिए अच्छी नहीं है। सो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि आप उस चीज़ों को अभी ध्यान में ना रखते हो, आप ये सोचें कि अभी जो आपको टाइम मिला है उसको यूटिलाइज करें अच्छे से, अपनी फैमिली के साथ अपना टाइम व्यतीत करें एंड अच्छे से आप अच्छे से उस टाइम को फील करें, उस मोमेंट को जिए अच्छे से, मतलब नॉट इवन लाइक कंसिडरिंग दी आउटसाइड वर्ल्ड। सो आई थिंक कि आपको अच्छे से इस चीज़ों को जीना चाहिए एंड बिकॉज यू डोंट नो व्हाट विल गोना हैपन इन द नेक्स्ट मोमेंट, so just leave this moment and be happy. So the idea number 8 is doing some course. So like जैसे हमें पता है कि बहुत सारी companies में कुछ extra skills की requirement होती है या उनकी demands होती हैं कि आपको अगर ये चीज़ आती है ना तो हम आपको जल्दी hire कर लेंगे या फिर आपको ये चीज़ आती है तो आपकी salary इतनी होगी, ठीक है। So हम उसी चीज़ के बारे में बताते हैं कि अगर आपको course कोई pursue करना है, क्योंकि course को करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। तो अभी ये जो 21 डेज है लाइक आप अच्छे से यूट्यूब पे डबल पढ़ के आप इस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो एंड आपको लाइक अलग से टाइम नहीं देना पड़ेगा इन कोर्स के लिए एंड इन 21 डेज में लाइक कुछ भी नहीं चल रहा है, आप बस अपने कोर्स पे ध्यान दे सकते हो एंड अपने 21 डेज में ईजिली किसी कोर्स को कम्प्लीट कर सकते हो एंड यस यू विल बी लाइक परफेक्ट इन दिस कोर्स। अब देखो यार, ये लॉकडाउन की वजह से हमारे सारे एग्जाम्स कैंसिल हो गए हैं, हमारे सारे रिक्रूटमेंट्स कैंसिल हो गए हैं, हमारे सारे सरकारी जितने भी गवर्नमेंट के रिक्रूटमेंट्स थे वो सारा शिफ्ट हो गए हैं। सो अब शिफ्ट हो गए हैं तो लेना है हमें इस चीज़ का एडवांटेज। सो हमारा 9th आइडिया यही है कि आपको अपने जो भी एग्जाम्स हैं उनके लिए प्रिपेयर करना है, ठीक है। सो अभी हम प्रिपेयर तो करते हैं बट हम उसके लिए सेल्फ स्टडी नहीं करते हैं, ठीक है। सो अब सेल्फ स्टडी के लिए ये काफ़ी अच्छा टाइम है एंड एक बहुत अच्छी चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो भी इन सब चीज़ों के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो एक बार अपने जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स हैं वो ज़रूर ट्राई करें बिकॉज उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आपको आते हैं एंड अगर आप वो करके जाओगे तो अच्छे से टैकल कर दोगे वो वाले क्वेश्चंस। सो ये बहुत ही अच्छा टाइम है अपने एग्जाम्स को टैकल करने का एंड अपने एग्जाम्स को क्लियर करने का। सो इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करो एंड प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स देखो एंड ये भी देखो कि सिलेबस में कैसा है, कैसे आते हैं क्वेश्चंस, किसी से गाइड लो या यूट्यूब पे भी चेक करो कि कैसे होता है। ये सब चीज़ों के लिए आपके पास काफ़ी सारा टाइम है एंड यस यूटिलाइज इट एंड दिस विल डेफिनेटली गोना वर्क। सो द लास्ट बट नॉट द लीस्ट द आइडिया नंबर 10 इज एक्सप्लोरिंग योर सेल्फ। सो काफ़ी चीज़ें होती हैं जो हमें पता भी नहीं होता है कि हम ये चीज़ें कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो वही चीज़ हमें यहाँ पर एक्सप्लोर करनी है। सो आई थिंक कि आप ट्राई कर सकते हो, थोड़ा सा कुकिंग का ट्राई कर सकते हो अपने घर में या फिर आप थोड़ी चीज़ें ऑर्गेनाइज करने की सोच सकते हो कि हाँ ठीक है ये चीज़ें यहाँ होनी चाहिए एंड लाइक थोड़ा सा चेंज कर सकते हो अपने घर में एंड लाइक थोड़ा सा प्लानर वगैरह बना सकते हो कि आपको 21 डेज के बाद एग्जैक्टली करना क्या है, पहला काम क्या करना है एंड उसके बाद कौन सा काम करना है। सो दैट्स द बेसिक एंड द मेन थिंग्स। सो
Hi guys, thank you for watching this video. I hope ये video आपके लिए useful रही होगी and जो भी ideas मैंने आपके साथ share किए हैं वो आपकी life में useful रहेंगे and ये 21 days आपके अच्छे से जाएं, safely जाएं and आप इन सब चीजों को utilize करें, इस time को utilize करें, इस time को अच्छे से जिए. So yeah, we'll meet in another amazing video. So subscribe to my channel, hit the like button and press the notification bell to be updated with my all the amazing video. Till then, stay tuned and bye bye.